प्रभात बच्चों, मैं पूनम हरन आज कक्षा सातवीं की व्याकरण की पुस्तक का पाठ दो वन विचार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, पाठ एक भाषा में हमने पढ़ा था कि व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम इस पाठ में वर्ण विचार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के प्रकार। बच्चों, वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। मानक हिंदी भाषा के हिसाब से स्वर 11 हैं और व्यंजन 33। अब हम सबसे पहले स्वरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में प्लुत स्वर को अप्रयोग नहीं किया जाता। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में चार हैं। इनका स्वर छोटा होता है, अ, ई, उ, री। दूसरे हैं दीर्घ स्वर। जैसे कि बच्चों, आपको शब्द से ही पता लगता होगा, दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और ये संख्या में सात हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ए, ओ, औ। बच्चों, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी दुगुना समय लगे, दीर्घ यानी बड़े स्वर, उनसे भी दुगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। मैंने ये आपको इसलिए बताया ताकि आपको इसकी भी जानकारी हो। अब हम मात्राओं की जानकारी लेंगे। बेटा, स्वरों जो ये जो हमारी 11 स्वर हैं, इनसे मात्राएं बनती हैं। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों, स्वर रहित व्यंजनों के साथ लगकर यह उन स्वरों को पूर्ण व्यंजन बनाता है। हमारे कुछ स्वर रहित व्यंजन हैं, जैसे क, ख, ग। हम अगर इनको लें तो आपने देखा होगा इनके नीचे हलंत लग जाएगा, और जब इनके साथ अ स्वर लग जाएगा तब ये पूर्ण बन जाएंगे, जिसको कि हम मानक हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको मात्राएं समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इन मात्राओं को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने देखा है अक्षर, बेशक हम सातवीं कक्षा में आ गए हैं, लेकिन लिखते समय हमारी मात्राओं की बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर आज आप इसको ध्यान से समझोगे ना बेटा, तो आपकी 100% 100% आपकी मात्राओं की गलतियाँ होना बंद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए आ। आ की मात्रा जो है वो एक आ का डंडा होता है, और इसका स्वर होता है आ। ये जिस भी व्यंजन के साथ लगेगा उसको बोलते समय हमारा मुंह खुल जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, ह के साथ जब मैंने आ का डंडा लगाया तो बन गया हा, है ना, हार। म आ, ल आ, मा ला। आपने देखा दोनों जगह मेरा मुंह खुला था। तो आ का स्वर जहाँ भी लगेगा उस व्यंजन के साथ हमारा मुंह खुल जाएगा। उसके बाद देखिए आप छोटी ई, इसका स्वर है ई। तो इसकी मात्रा की पहचान कीजिए, ये किसी भी व्यंजन से पहले आती है, ठीक है, और इसका जो स्वर है वो भी छोटा होता है। जब मैंने क के साथ ई लगाया तो बना की, जब मैंने द के साथ ई लगा, छोटी ई का स्वर लगाया तो वो बना दी, किला, दिल। ऐसे अगर आप किसी और भी व्यंजन के साथ लगाओगे, जैसे ख के साथ तो खिला, है ना। और अब हम देखते हैं बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में पहचान करिए। छोटी की मात्रा आगे से लगती है व्यंजन के, और बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे से लगती है। अब देखें, जब मैंने इसको म के साथ लगाया तो बना मी, और जब मैंने च के साथ लगाया तो बना ची। इनका स्वर बड़ा है, मीठा, चीनी। अब अगली स्वर पे आइए,
वो है ऊ। अब ऊ की पहचान करिए, मैंने अक्सर देखा है पढ़ाते समय बच्चों को ऊ की मात्रा में और ओ की मात्रा में बड़ा संदेह हो जाता है, बहुत भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊ की मात्रा जो है वो नीचे लेटी हुई सी है। जब हम इसे किसी भी व्यंजन के लगाते हैं तो वो उसके नीचे लगती है। जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे, प के नीचे लगी हुई है तो बना पू, म के नीचे लगा तो बना मुँह, इनका स्वर छोटा होगा, पुराना, जामुन। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, प के नीचे मैंने ऊ की मात्रा लगाई तो बना पू, लेकिन र के साथ आ लग रहा है तो र के साथ मेरा मुँह खुलेगा, पू रा न आ के